आइए इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है, राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं। हिज नैरेटिव इज चेंज्ड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक टू वॉच। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग आई एम अगेंस्ट ब्लैक मनी, नाउ द टॉक ऑफ ब्लैक मनी, देन द टॉक ऑफ ब्लैक मनी वैनिश्ड, ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी वाज सपोज्ड टू बी कमिंग बैक एंड देन गिवन टू द पुअर, दैट टॉक इज नाउ वैनिश्ड, सो गवर्नमेंट इज पैनिकिंग। आफ्टर ब्लैक मनी ही वेंट टू टेररिस्ट, देन सम टेररिस्ट वर कॉट विद द न्यू नोट्स इन देयर पॉकेट, he went then from terrorist, he moved on from terrorist, he went to counterfeit money. Then we asked the question over here, how much counterfeit money is there in the Indian economy? 400 crores. Then he moved from counterfeit money to cashless economy. So he's running one after the other, he's running, and we're going to catch him inside the house. He's not going to be able to run inside the house. Now he's moved to the cashless economy. There's the whole concept of the Paytm, pay to Modi. That's the idea behind cashless economy, that a few people should get maximum benefit from every single cash transaction. That is what is going on. It has damaged the country tremendously. It has hurt a lot of people, and it has specifically hurt the poor people. Farmers, laborers, what about a limited number of days of housing remaining, Let me finish. So it has devastated, especially the poor people, farmers, fishermen, daily wage laborers, everybody has been hurt by this. We are going to have a discussion. We want to have a discussion. We want a vote. The government doesn't want a vote. So that is the issue at hand. I'd like to thoda Hindi mein bolna chahta hu. Rahul ji, baar baar keh rahi hai ki janta mein koi dikkat nahi hai. Sir, opposition ka goal post changing hai. Isko samjhaya ja raha hai ki aap log isko jaake aur aap keh rahe hain ki mukta pundi hai. Logon ke hit mein. Aur sir, kal Advani ji ne bhi is baat pe zahir kiya hai apna gussa ki sadan mein chal raha hai dhame jab par opposition aur sarkar. Unhone speaker aur parliamentary affairs minister pe dekhiye, ye ek mahine pehle प्रधानमंत्री ने एक फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट अपने आप बिना किसी एक्सपर्ट से पूछे अपने आप कर डाला। इस एक्सपेरिमेंट का जबरदस्त नुकसान हिंदुस्तान के गरीब लोगों को हुआ। किसानों को बीज बोने का पैसा नहीं मिला। पूरी कोस्टल बेल्ट पे मच्छी मारों की आमदनी ठप हो गई। अभी मैंने कहा लार्सन एंड टूब्रो ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। किसी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री का बहुत बोल्ड डिसीजन है। यह बोल्ड डिसीजन नहीं है, यह बिल्कुल बेकार डिसीजन है। बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री ने यह काम किया है और इससे पूरे देश को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अब देखिए, जब बात शुरू हुई थी प्रधानमंत्री काले धन की बात कर रहे थे कि काला धन वापस आएगा और हम उससे वो पैसा हम किसानों को देंगे। वो बात बंद हो गई। आज आरबीआई ने कहा कि 11.5 लाख करोड़ वापस आ गए हैं और लगता है कि पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाएगा। काले धन के बाद प्रधानमंत्री आतंकवाद के ऊपर गए, दौड़ के गए, कहा कि भैया ये आतंकवाद के खिलाफ डिसीजन था। कुछ ही दिन बाद आतंकवादी पकड़े गए, उनके जेब में नए नोट। फिर प्रधानमंत्री वहां से निकले, कहा यह काउंटरफिट के खिलाफ है। फिर हमने यहां सवाल पूछा, काउंटरफिट के खिलाफ है तो भैया कितना काउंटरफिट पैसा है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में? जवाब मिला 400 करोड़। फिर प्रधानमंत्री काउंटरफिट से भागे, कैशलेस इकोनॉमी में गए, कहा भैया देखो हम कैशलेस इकोनॉमी लाना चाहते हैं। कैशलेस इकोनॉमी से किसको फायदा होगा? कैशलेस इकोनॉमी से 2-3-5 कंपनीज को फायदा होगा जो हर ट्रांजैक्शन पे कमीशन लेंगे। तो एक के बाद एक प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस लोकसभा में, राज्यसभा में वो आके बात करें और यहां पे हम उनको भागने नहीं देंगे। यहां पे पकड़ के हम उनको पूरा का पूरा समझा देंगे। तो लगातार जो बात हम आप
आपको आज तक पर भी कह रहे थे कि एक तरफ कोहरा फुल लेकिन कैश गोल, इसी बात को आगे उठाते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर यह कहते हुए निशाना साधा कि वो सवालों से भाग रहे हैं, लेकिन आज हम उन्हें संसद में घेरेंगे। काले धन को लेकर उन्होंने चोट की और ये कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले कहा कि ये काले धन के खिलाफ मुहिम है, उसके बाद कहा आतंकवाद के खिलाफ मुहिम है, उसके बाद कहा कि पैसे को लेकर जो रैशनिंग हो रही है उसके खिलाफ मुहिम है, लेकिन इसके बावजूद भी आम लोगों को कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। और बार बार जिस कैशलेस ट्रांजैक्शन का या कैशलेस इकोनॉमी का जिक्र किया जा रहा है वो दरअसल सिर्फ चुनिंदा कुछ कंपनियों को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश है, उससे आम आदमी का भला होने वाला नहीं है। तो राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी को लेकर इस मुहिम पर जबरदस्त हमला करते हुए और ये कहते हुए कि लगातार वो विपक्ष के सवालों से भाग रहे हैं लेकिन वो हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे क्योंकि अब सदन में उन्हें घेरा जाएगा और सदन में उन्हें इन तमाम सवालों पर जवाब देने ही पड़ेंगे। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी लेकिन उससे पहले यहाँ पर विपक्ष की रणनीति किस तरह से आगे बढ़ रही है वो तस्वीर यहाँ पर साफ होते हुए राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला प्रधानमंत्री पर बोला।